प्रिय बच्चों, पूछो तो जाने, मैं हूँ वो जिससे सूत तैयार होता है। खादी का हूँ मूल यंत्र में और भारत की आजादी का मूल मंत्र में। तो अब बोलो कौन हूँ मैं? मैं हूँ चरखा, बापू का मैं प्यारा चरखा। चलो बताऊँ इतिहास में अपना, तो कई लोग तो मुझे जानते ही हैं। क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। बच्चों, यही कारण है कि मैं अपनी उम्र और जन्म स्थान सही सही नहीं बता पा रहा। जर्मन वैज्ञानिक और इतिहासकार फ्रांस मारिया फिरदौस कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति प्राचीन मिस्र में हुई, किंतु कुछ लोगों के अनुसार भारत में 500 से 1000 एडी के आसपास मैं पैदा हुआ। बच्चों, साथ ही साथ कुछ ऐसा भी बताते हैं कि 1100 एडी में अरब देशों में मेरा जन्म हुआ, और कुछ का ऐसा भी मानना है कि 1400 एडी में मेरा जन्म चाइना में हुआ, जिसके बाद मैं ईरान पहुंचा और वहां से भारत आया, और फिर भारत से यूरोप। अलग अलग जगहों पर प्यार से लोग मुझे कई नामों से पुकारते हैं, और हर नाम का अपना एक अर्थ है। जैसे पर्शियन और उर्दू में चरखा मतलब व्हील, संस्कृत में चक्र अर्थात सर्कल, और ईरान में चरखू मतलब स्पिनिंग व्हील। बच्चों, यही नहीं, समय समय पर मेरे स्वरूप बदलते रहते हैं, किंतु बदलता सिर्फ मेरा शरीर है, आत्मा नहीं। शुरुआत में मैं बहुत सामान्य सा था और स्पिंडल कहलाता था। मेरे इस रूप के प्रमाण मध्य पूर्वी क्षेत्र में मिले हैं, और ये तकरीबन 5000 BC के हैं। मेरे इस रूप का प्रयोग करके वहाँ के लोग सूत काटकर मिस्र की मम्मियों को लपेटते थे। धीरे धीरे मुझ में कई सुधार किए गए, और आज तो मेरा सोलर रूप भी आ गया है। यह तो मेरा परिचय हो गया। मैं तो अब थक गया, अब आगे चिंटू बताएगा। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह मेरे बापू से संबंधित है। दोस्तों, यूँ तो मैं कई जगह आता जाता हूँ, लेकिन भारत जैसा सम्मान और स्नेह कहीं नहीं मिला। तो सुनिए, ऐसा क्यों है? यह बात 300 साल पुरानी है, जब अंग्रेज़ों ने भारत में पांव पसारने शुरू किए थे, और फिर देखते ही देखते व्यापार के माध्यम से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर अपनी कड़ जमा ली थी। उन्होंने लोगों को जादुई सतरंगी सपनों में उलझाकर ज़मीनी हकीकत से दूर कराया था। तभी 1915 में भारत में लौटकर एक महात्मा आए थे, और भारत के लोगों को अंग्रेज़ों की गुलामी के चंगुल से निकालने के लिए स्वरोजगार और स्वदेशी अपनाने की दिशा दिखाई थी। इसमें मुझ चरखे को एक अहम हथियार बनाया था। उन्होंने लोगों को मुझे फिर से चलाना सिखाया था। सूत काटने के बहाने लोगों को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया था। गांधी जी ने मुझे अपनाकर लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया और मेरा मान बढ़ाया था। आज़ादी के दौर में मैं चरखा गांधी जी के सहयोगी के रूप में हर जगह छाया था। देश के प्रथम तिरंगे पर बापू ने मुझे एक स्थान दिया था। आज आज़ादी के 7 दशक बाद 21वीं शताब्दी के मशीनी युगों में भी मेरा अस्तित्व कायम है। मैं अभी भी आपके साथ हूँ। अब तो मैं भी आधुनिक हो गया हूँ और जन जन को प्यारा हूँ। सोलर चरखे के रूप में
मुझे पुनः उपयोगी बनाने के लिए मैं आज की शक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आभार व्यक्त करता हूँ। लोगों को अपनी शुभेच्छा देते हुए स्वदेशी अपनाते रहने की सलाह देते हुए यह कहानी यहीं समाप्त करता हूँ।